हेलो बच्चों, आज हम अ की मात्रा पढ़ेंगे। ये अ की मात्रा का मूल रूप है और ये उसका मातृ रूप है। ये जो है व्यंजन पे लगता है, जैसे ये क है व्यंजन और ये अ के बराबर क। ख धन अ बराबर ख, ग धन अ बराबर ग, घ धन अ बराबर घ। नीचे दूसरा देखेंगे, अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ये है चित्र, देखेंगे हम किसका है, पौधा। प धन अ धन धा धन आ बराबर प अ ध आ पौधा। दूसरा चित्र है नौका का, न धन अ धन क धन आ बराबर नौका, न अ क आ नौका। तीसरा चित्र है लौकी, ल धन अ धन क धन ई बराबर लौकी। ला पे अ की मात्रा, का पे बड़ी की मात्रा, लौकी। यह है 14 अंक। च धन अ धन द धन धन ह बराबर 14, च अ द ह 14। यह है 24 अंक। च धन अ धन ब धन बड़ी की मात्रा धन स, च अ ब ई स 24। और अंतिम चित्र है पकौड़ी का, प धन क धन अ धन ळ धन ई प क अ ळ ई पकौड़ी। अगला देखते हैं, मिलते जुलते शब्दों का मिलान करो। अब ये देखिए नौका है, ये सारे अ की मात्रा के शब्द हैं और ये मिलते जुलते शब्द से हमें इनका मिलान करना है। जैसे ना अ क आ नौका, तो ऐसे ही मिलता जुलता इधर देखेंगे हम। ये देखिए ये लिखा है मा अ क आ मौका, नौका से हम मौका को मिला देंगे। म ओ न मौन, क ओ न कौन, प क ओ ड ई पकौड़ी, क च ओ ड ई कचौड़ी। ये तो आपके लिए बहुत ही इजी होता है ना। स और सौर, ठ और ठौर, ये एक जैसी इसमें आवाज़ होती है, यानी मिलते जुलते शब्द होते हैं। ल ओ क ई लौकी, च ओ क ई चौकी। अगला है अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाओ। अब देखिए ये मैंने अ की मात्रा के आगे ये आगे अक्षर लिखे और पीछे भी लिखे हैं, आप इन दोनों को मिलाना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे ये है म ओ क आ मौका हो गया, तो हम यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या बन गया, म ओ क आ मौका। दूसरा है च ओ क आ, च ओ क आ चौका। ये देखिए हमने यहाँ से मिला के, ये देखिए जा रही है ना, ये इधर जा रही है लाइन, मौका ऐसे बना ना, म ओ क आ, तो ये देखिए इधर जाने लाइन जा रही है, ये च ओ क आ ये ऐसे लाइन जा रही है, फिर ये इस, तो इससे हमें पता चलेगा कि इससे मिलाना है। च ओ क आ, च ओ क आ चौका, न ओ क आ नौका। ये देखिए तीसरा शब्द ये बन गया। अब अगला है च ओ खाटा, तो इनको हमको तीनों को मिलाना है। च ओ खाटा चौखट, च ओ प आ ई चौपाई। फिर है च ओ ग उ न आ, च ओ ग उ न आ चौगुना। अगला देखेंगे सही मात्रा लगाओ। अब ये अ की मात्रा के शब्द हैं, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, अ की मात्रा, ह थ ओ ड आ हथौड़ा, र ओ न का रौनक, ध ओ ल प उ र धौलपुर, च ओ क ई द आ र चौकीदार, ग ओ त म गौतम। पहला है हथौड़ा, रौनक धौलपुर, चौकीदार गौतम। अगला है चित्रों के नाम लिखो। अब ये पहला चित्र है हथौड़ा, तो ह सबसे पहले किसका साउंड आ रहा है, सबसे पहले ह की आवाज़ आ रही है, ह फिर थ की आ रही है, फिर थ पे कौन सी आवाज़ आ रही है, ओ, तो ओ की मात्रा लग जाएगी, फिर ड, फिर आ, आ की आवाज़ आ रही है, तो आ की मात्रा ये होती है हथौड़ा। दूसरा है चौकोर, सबसे पहले च की आवाज़ आ रही है, फिर ओ की मात्रा, चा पे ओ, चौ, क्या बन गया, चा पे ओ चौ। अब क लिखेंगे,
कहाँ पे कौन सी आवाज़ आ रही है, ओ की। ये ओ में एक होती है, ओ में दो मात्रा होती है। ये ओ की है, ये ओ की है। चौको, अब र की आवाज़ आ रही है तो र लिख देंगे, चौकोर। ये है बिछौना, सबसे पहले ब की आवाज़ आ रही है तो ब लिखेंगे। अब ई, छोटी ई की आवाज़ आ रही है, बी। अब छ लिखेंगे, और छ पे ये ऐसे जरूर करना है आपको, आप सही नहीं बनाते छ, ठीक है, ये ऐसे बनाना है छ। अच्छा पे फिर ओ की मात्रा लगा देंगे और ना लिखेंगे, और ना पे आ की आवाज़ आ रही है, बिछौना। अब है खिलौना, तो ख, सबसे पहले ख लिखेंगे, ख पे ई, छोटी ई की आवाज़ आ रही है, खी। अब ला, ला लिखेंगे, ला पे फिर ओ, ओ की आवाज़ आ रही है ना, ओ से औरत की, तो ओ का मात्रिक रूप ये होता है। ना लिखेंगे और आ लगा देंगे, खिलौना। अब है कौवा, क की आवाज़ है सबसे पहले, फिर ओ की मात्रा, फिर आ से आम, कौवा बन गया कौवा। सही शब्द छाट कर वाक्य पूरे करो। इसमें हमें ये शब्द दिए हुए हैं, पकोड़े, पौधा, गौरव, खिलौना, मौसम। अब यहाँ हमें वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में हमें जो सही शब्द है वो भरने हैं। जैसे पहला है पापा डैश लाए, क्या लाए पापा, पकोड़े, पौधा, गौरव, खिलौना, मौसम। क्या लाए, खिलौना, लाते ना आपके पापा आपके लिए खिलौना, तो खिलौना, पापा खिलौना लाए। माँ ने डैश बनाए, क्या बनाए माँ ने, पकौड़े, कापे ओ और रा, पकौड़े, ये पकौड़े। डैश मेरा भाई है, अब यहाँ पे देखना है ये नाम है ना, यहाँ पे गौरव, गौरव मेरा भाई है। चौथा देखेंगे, मैंने डैश लगाया, क्या लगाया इसमें से देखेंगे, पौधा, प ओ ध आ, पौधा। आज डैश सुहावना है, तो क्या सुहावना है इनमें से, अब तो ये लास्ट वाला तो बहुत आसान होता है, आखिर वाला मौसम, म ओ की मात्रा, स म, म ओ स म, मौसम। आज मौसम सुहावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे ओ की मात्रा के शब्द और वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।